हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर्स। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में किया था लेक्चर में कि हमने जॉइंट कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, मतलब हमने मेनली मतलब किसी भी बीम या मेंबर कॉलम के लिए जो भी जो नोड्स बनाए जाते हैं हमने वो बनाया था, जनरेट किया था कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। आज हम उसके आगे का प्रोसेस सीखेंगे कि मतलब उन्हीं जॉइंट्स को की हेल्प से हम लोग मेंबर कैसे मतलब ड्रॉ करते हैं, मतलब बीम कैसे बनाते हैं, कॉलम कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे को वही प्रीवियस लेक्चर की हमारी जो जो एक पीडीएफ फाइल थी जिसको मैंने ओपन करके जो एक डायग्राम दिखाया था आपको बिल्डिंग का प्लान, हमको वही रफली दोबारा से एक उसका बनाना पड़ेगा जॉइंट कोऑर्डिनेट, तभी हमको यहाँ पर पता लग सकता है। तो यह है मेरी बिल्डिंग का प्लान, आपको ये प्रीवियस लेक्चर में आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। दो बेज हैं 3-3 मीटर की एक्स डायरेक्शन में, और पांच बेज हैं हमारी 4-4 मीटर की स्पेसिंग में जेड डायरेक्शन में। तो ये नोट्स को चलिए हम बना लेते हैं सबसे पहले। न्यू प्रोजेक्ट, यूनिट्स में वही डिफॉल्ट ले रहा हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक्स डायरेक्शन में प्लस का 3, इसी को हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम सिखाया था मैंने आपको कि मतलब इन्हीं तीनों नोट को अगर मैं जेड डायरेक्शन में पूरे पेस्ट कर दूंगा तो मेरे ये प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे ये नोट्स बन जाएंगे। चलिए इसको कर देते हैं। हम सीधा एक ट्रांजिशनल रिपीट की कमांड लगा देते हैं जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। 5 -4, ये देखिए, ये लास्ट टाइम हमने ये इस मॉडल में हमने यही एक ये नोट्स बनाए थे, आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज 18, हेयर 3, हेयर 6, 4 मीटर स्पेसिंग इन जेड डायरेक्शन और 3 मीटर स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन, और हमने इसको ये जनरेट कर दिया है। इसमें एक चीज आप और देखिए, आप जैसे ही किसी भी एक नोड को सेलेक्ट करते हैं तो उस नोड का कोऑर्डिनेट बताता है यहाँ राइट साइड में टॉप में। इस जैसे नोड नंबर 1 पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और इसी का जेड कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 है। और मैं मान लीजिए किसी भी एक नोड को देखता हूँ, जैसे कि ये इस कॉलम का एक्स, इस नोड का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 6 मीटर है और इसी का जेड कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस का 20 मीटर है। तो आइए अब हम इसमें बीम ऐड करते हैं। जनरली किसी मॉडल को बनाने के लिए, फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको बीम या कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है, तो हम सबसे पहले बीम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बीम की हमारी कमांड है, ऐड बीम्स। इस पर क्लिक करके आप किसी भी एक नोड को ऐसे करके क्लिक करके बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस तरह से कि मैंने अपने मॉडल में एक्स डायरेक्शन की सारे के सारे बीम्स को कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे से। अब हमारा जेड डायरेक्शन का सारे बीम्स को कनेक्ट करना है। ऐसे ही सिमिलरली हम इन दोनों को नोड को कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे, सिमिलरली इसको करके चलेंगे और सिमिलरली हम लोग इसको भी करके चलेंगे। अगर आपका स्ट्रक्चर छोटा है तो आप एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन सपोज करिए आपके स्ट्रक्चर में बहुत सारे बीम्स हैं, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हाई लेवल का है, उसमें मतलब बिल्डिंग का एरिया ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ बीम एंड कॉलम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में आप एक एक करने से अच्छा है कि एक शॉर्ट कमांड होती है, आप सारे नोट्स को सेलेक्ट करिए, ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग। अभी हमारा एक्स में ऑलरेडी कनेक्ट है तो ये कमांड काम नहीं करेगी, वाई अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी ए 0-0 लेवल पे ये बीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई का जो लेवल है ये 0-0 है। तो दूसरे किसी वर्टिकल मेंबर को कनेक्ट करने के लिए अलग लेवल का नोड होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ सब सेम लेवल के हैं।
हमको ये जेड डायरेक्शन में इन सारे नोड्स को बीम की तरह ऐड करना है, तो सबको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग जेड। ये देखिए ये एक ही कमांड में मेरे सारे के सारे बीम कनेक्ट हो गए। इस तरह से हम लोग, मैंने इसमें आपको दो मेथड बताए, आप एक मेथड, फर्स्ट मेथड जिसमें एक एक करके एक एक नोड पे क्लिक करके हमने बीम को ऐड किया, और दूसरे कमांड में मैंने डायरेक्ट सारे नोडों को सेलेक्ट करके सारे नोड को जेड डायरेक्शन में मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली आप उसको एक्स में भी ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली आप उसको वाई में भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टैट एडिटर, स्टैट एडिटर में क्या होता है, ये स्टैट प्रो का एक अंदर का एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि आप बाहर से मॉडलिंग में आप जो भी कुछ यूज करते हैं, जो भी कुछ कमांड लगाते हैं, जो भी कुछ डेटा आप टाइप करते हैं, वो सारा ऑटोमेटिक इसके अंदर सेव होता है। इस पे क्लिक करते हैं, यस, ये देखिए हमारा स्टेट स्पेस था, ये एक डेट है जिसपे हमने वर्क किया। इनपुट विड्थ ये बाय डिफॉल्ट आता है, हमने इनपुट यूनिट जो थी वो सेट करी थी मीटर किलो न्यूटन। और ये देखिए ये हमारा जॉइंट कोऑर्डिनेट है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था, जो मैंने अभी भी करके दिखाया है, इसमें देखिए ये आपका जॉइंट नंबर 1 है, और उसके जस्ट बाद वाला 0 जो है ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और उसके बाद वाला 0 है ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है, और उसके बाद वाला जो 0 है वो उसका जेड कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली आप किसी को भी देखिए, ये जो इस साइन के बाद ये जो नंबर है, ये नंबर आपका नोड नंबर होता है। जैसे कि ये नोड नंबर 9 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोड नंबर 9 का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, और इसका वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, और इसका जेड का कोऑर्डिनेट माइनस का 8 है। ये देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट प्रो में के एडिटर से आपको पता लग सकता है कि आप जो बाहर ये जॉइंट कोऑर्डिनेट जो बनाते हैं, जो हर एक नोड का कोऑर्डिनेट बनाते हैं, वो अंदर अपने आप डेवलप होता है स्टार्ट एडिटर के अंदर। आप चाहे तो इसे यहाँ से भी बना सकते हैं, वरना आप बाहर से ही बनाइए, बाहर से बनाने में ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ से आपको पता लगता है एक्चुअली में कि मॉडल बन कैसा रहा है, क्या क्या बन रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने अभी बीम ऐड किया, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी भी ये बीम ऐड किया है, तो इस बीम को हमने पहले एक्स डायरेक्शन में ऐड किया, फिर जेड डायरेक्शन में ऐड किया। तो अभी हम, मैं आपको दिखाता हूँ बीम नंबर, शिफ्ट एन दोबारा दबाऊंगा तो नोड नंबर बंद हो जाएंगे, और शिफ्ट बी दबाऊंगा तो मेरे बीम नंबर चालू हो जाएंगे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बीम नंबर 1 ड्रॉ किया था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद मैंने डिफॉल्ट एक हमारी कमांड होती है जिसे मैंने डायरेक्टली सारे नोट्स को वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कनेक्ट किया, तो स्टैट ने अपने आप ये नंबरिंग इनकी कर दी है, ऊपर से नीचे की है, आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये मेरा बीम नंबर 1 है, ये बीम नंबर 1, आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में बॉटम में, तो ये बीम नंबर 1 है, ये बीम नंबर 1 मेरा नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 से कनेक्ट है। आप यहाँ पर देखिए ये मेरा बीम नंबर 1 है, ये नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 से कनेक्ट है। सिमिलरली मेरा बीम नंबर 8 देखिए, यहाँ देखिए आप, ये मेरा बीम नंबर 8 है, ये नोड नंबर 11 और नोड नंबर 12 से कनेक्ट है। अब आप इसमें आकर के देखिए, ये मेरा नोड नंबर 8 है, बीम नंबर 8 है, ये नोड नंबर 11 और 12 से कनेक्ट है। मतलब आपने बाहर से जो भी कुछ काम किया स्टैट प्रो में, स्टैट एडिटर में ये अपने आप डेवलप हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है ये चीज, आप यहां से भी काम कर सकते हैं। चलिए अब हम बिल्डिंग का एक्स और जेड हमने कर दिया है डिफाइन, अब हम इसका जेड करते हैं। इन सारे नोट्स को अगर मैं कॉपी कर दूं वाई डायरेक्शन में, कॉपी पेस्ट, वाई की वैल्यू -1.5, मैं सपोज करता हूँ मेरा जो फाउंडेशन है वो ज़मीन से 1.5 मीटर नीचे है ग्राउंड से, तो वाई की वैल्यू माइनस का 1.5, ओके। ये देखिए ये मेरे नोड बन चुके हैं, देखिए इन नोडों पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट दिख जाएंगे, जो कि -1.5 है, मीन्स 0.0 लेवल से -1.5 मीटर नीचे हैं। अब हमको कॉलम को बनाने के लिए, हम जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल इन दोनों का चाहते हैं कनेक्ट करना, तो पहली कमांड तो है कि हम एक एक करके कनेक्ट करें, एक एक करके कनेक्ट करें।
वरना दूसरी कमांड है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दूसरी एक सिंपल कमांड है कि जिसमें हम सारे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करके ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग वाई एक्सिस। देखिए इस सेकंड मेथड से ये इतना आसान है कि मतलब हमने एक ही बड़े कम टाइम में हमने एक ही साथ बहुत सारे बीम्स का कॉलम्स को कनेक्ट कर लिया। इससे बीम भी कनेक्ट हो सकते हैं और कॉलम भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको मेंबर इंडिसेस के बारे में बताया कि मतलब बीम और कॉलम को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है और इसमें नोड नंबर का क्या रोल है और हर एक मेंबर नंबर नोड के साथ क्या रोल प्ले करता है, ये सब चीज़ें ये हमारे दूसरे लेक्चर में थी। थैंक यू।